हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बैग बनाने सिखाऊंगी। इस बैग को बनाने के लिए पर्दे वाला कपड़ा यूज करी हूँ। आप कोई सा भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। इसमें टोटल आधा मीटर कपड़ा लगा है। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बैग बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए कपड़ा ली हूँ। देखिए, इसका लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 13.5 इंच। देखिए, नीचे अस्तर है, बीच में फोम है, ऊपर से मेन कपड़ा है। इसको इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर क्विल्ट कर रही हूँ। देखिए, ऐसा दो पीस लेना है। इसमें भी देखिए, नीचे अस्तर है, बीच में फोम है, ऊपर से मेन कपड़ा है, इसको भी क्विल्ट कर लेना है। इसके बाद एक पीस लेंगे। इसको लंबाई में इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 इंच पर इस तरह मार्क लगा देंगे। फिर यहाँ से इस तरह तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। फिर इसको कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। देखिए, कटिंग कर लिए। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेना है। इसके बाद बैक का स्ट्रिप बनाएंगे। इसके लिए ऐसा दो पीस कपड़ा लेंगे। देखिए, इसका लंबाई है 21.5 इंच, चौड़ाई है 3.5 इंच। दोनों पीस का लंबाई चौड़ाई सेम है। देखिए, इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों तरफ से पूरा स्ट्रिप सिलाई कर देना है। दूसरे पीस में भी इसी तरह देखिए, इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके पूरा स्ट्रिप सिलाई कर देना है। इसके बाद बैग में स्ट्रिप सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ से 5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से भी 5 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप के देखिए मार्क लगाए हैं। यहाँ इस तरह रख लेंगे और इसको सिलाई लगा देना है। देखिए, स्ट्रिप सिलाई कर ली हूँ। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरह से स्ट्रिप सिलाई कर लेना है। इसके बाद इसमें जिप सिलाई करेंगे। देखिए, इसी साइज का जिप लेना है। देखिए, जिप को इस तरह निकाल लेंगे। देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह उल्टा रखकर देखिए यहाँ से सिलाई लगा देना है। दूसरे में भी इसी तरह देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए, दोनों में जिप सिलाई कर ली हूँ। देखिए, कपड़े को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच सिलाई कर दी हूँ। देखिए, इसमें भी कपड़े को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच सिलाई कर दी हूँ। इसके बाद बैग का बेस बनाने के लिए ऐसा कपड़ा लेंगे। देखिए, इसकी लंबाई है 14 इंच, चौड़ाई है 5.5 इंच। देखिए, इसमें भी फोम है, नीचे अस्तर है। इसको रखकर इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए, एक पीस लेंगे। इसको सेंटर से इस तरह देखिए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ सेंटर में मार्क लगा देना है। देखिए, मार्क लगा दिए। देखिए, एक जो बेस बनाया है इसको भी सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेना है। देखिए, फोल्ड कर लिए और यहाँ मार्क लगा देंगे। देखिए, इधर भी मार्क लगा देंगे। देखिए, मार्क को मिलाते हुए यहाँ से इस तरह पकड़ के यहाँ सिलाई लगा देना। देखिए, एक पीस में सिलाई लगा दी हूँ। देखिए, ये दूसरा पीस है, इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए, इसको भी इस तरह सेंटर से फोल्ड करके मार्क लगा लेना है। देखिए, बेस में यहाँ मार्क लगाए हैं।
इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ भी सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पीस में बेस सिलाई कर ली हूँ। देखिए ऊपर से टॉप स्टिच सिलाई कर देना है, इधर भी टॉप स्टिच सिलाई कर देना है। देखिए सिलाई लगा दिए, देखिए इसको इस तरह से रनर डालेंगे। देखिए जिप में इस तरह से रनर डाल लेना है। दूसरी साइड से भी ये डाल लेना है। इसके बाद देखिए बैग को इस तरह उल्टा कर लेना है। देखिए उल्टा कर लिए। देखिए ये जीप है, यहाँ से इस तरह पकड़ के इधर सिलाई लगा देना है। और यहाँ भी जीप है, यहाँ से इस तरह पकड़ के यहाँ सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ, दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ सिलाई लगा देना है, और इधर भी साइड पकड़ के यहाँ सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से इस तरह सीधा कर लेना है, कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। देखिए देखिए इसका बेस कितना अच्छा बन गया है। इस तरह से ए बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें काफी स्पेस है। इस बैग को आप एक बार जरूर बनाकर देखिए, बहुत यूजफुल बैग है। फ्रेंड्स, आपको मेरा बैग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।